मरियम नवाज ने हुक्म दिया है आज के एक महीने के अंदर मुझे साफ सुथरा पंजाब चाहिए। मैं देखूंगी कहाँ गंदगी है, कहाँ खड़ा पानी है, कहाँ गटर उबल रहे हैं। इसको एक महीने में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। हमें हकीकत पसंद होना पड़ेगा। ये गंदगी क्यों है, गटर क्यों उबल रहे हैं, गलियों में पानी क्यों खड़ा है, मोहल्लों के कोनों में कूड़ा करकट क्यों इकट्ठा होता है, ये सवाल है जो हमें सोचना चाहिए कि इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब गलियों में और सड़कों पर जो पानी साइडों पर खड़ा होता है वो निकासी है आपका नाकस निज़ाम होने की वजह से खड़ा होता है, क्योंकि उसके लिए रास्ता नहीं है कि वो किधर जाए, क्योंकि नालियां नहीं हैं, प्रॉपर जो है वो सीवरेज सिस्टम नहीं है, अपडेट नहीं किया उसको। जो कूड़ा करकट है वो इसलिए है कि आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो कलैप्स हो चुका है और आपके पास जदीद मशीनरी नहीं है, रिसाइकलिंग के आपके पास जो है वो जगह नहीं है, आप लैंडफिल जो है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे, मतलब क्या कहाँ पे जाके ये कूड़ा करकट फेंकेंगे आप, और फिर इसको कैसे इसका रिसाइकलिंग किया होगा। सिर्फ फेंकना नहीं होता, उसको सॉर्टिंग होती है, उसका रिसाइकलिंग होती है। इसी तरह से मोहल्लों में और गलियों के बाहर जो शॉपर लोग फेंकते हैं और जो कूड़ा करकट फेंकते हैं, इसका ताल्लुक जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ है। तो आपके तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं उनको आपके देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, पेंशन जो है वो इतनी कम है, तो आप वो तो बढ़ा नहीं सकते, ऐलान करने से तो नहीं बढ़ती ना, कैश देने से बढ़ती है। तो आप ये कैसे करेंगे ये साफ सुथरा पंजाब कैसे बनाएंगे। हाँ, मोहल्लों के अंदर से जो कलेक्शन है कूड़े की वो कैसे होगी, और फिर एक कल्चर होता है, आप वो कल्चर कैसे डेवलप करेंगे जिस कल्चर में लोग खिड़की से खोल कर तो नीचे शापर ना फेंके, लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं घर से तो निकलते हुए शापर उठाया कूड़े करकट का और मोड़ काटते हुए ऐसे फेंक दिया, ये कल्चर कैसे खत्म होगा। तो ये एक महीने में आप एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, चार दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए तो साफ सुथरा पंजाब हो सकता है कि आप बना लें, जबरदस्ती लोग सफाइयां शुरू कर दें, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे आप, क्योंकि आपने सिस्टम प्लेस में नहीं, देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस यू नो, जहां ये साफ सुथरा पंजाब सस्टेनेबल हो सके। कमेंट बॉक्स में बताएं आपका क्या ख्याल है।